हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर जीरो और स्वागत है आपका क्या बोलती पब्लिक के चौथे एपिसोड में। और ये क्या बोलती पब्लिक जो मैंने सीरीज शुरू किया है और मुझे चौथे एपिसोड में एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसका रियल मीनिंग ही होता है कि क्या बोलती पब्लिक। हाँ, पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक क्या यही बोलती है कि जाके कमेंट सेक्शन पर बिना वजह आप जाके विनोद लिखो। बहुत सारे जगह पे ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि हम कमेंट सेक्शन पे जा करके बिना वजह विनोद लिख सकते हैं, तो वहाँ पे जा करके ये क्यों नहीं लिख सकते कि जस्टिस फॉर निर्मला पंता। क्या न्यूज़ है, क्या हुआ था इस लड़की के साथ में और क्या सच है क्या झूठ है वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा। मतलब क्या रियल है क्या फेक है और क्या आपको दिखा करके इस न्यूज़ की तरफ में आकर्षित किया जा रहा है गलत तरीके से। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जस्टिस मांग रहे हो और आप आवाज़ उठा रहे हो, तो मुझे पता है कि लोगों को अपनी तरफ ग्रैब करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी एक तरीका होता है ग्रैब करने का, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ रियल है क्या चीज़ फेक है और जो फेक है उसके पीछे का रियल जो मुद्दा है वो क्या है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना और हो सकता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए कोई ज़्यादा इंटरटेनमेंट लेकर के ना आए, पर ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। सो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो करो, वरना आप अभी के अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। और जिनके दिल में मतलब इंसानियत अभी भी है वो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखे, और देखने के बाद में इस वीडियो को नहीं तो कम से कम इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायरल करो ताकि किसी को इंसाफ मिल पाए। निर्मला पंता जो है एग्जैक्टली ये कहाँ की है बता देता हूँ, ये है नेपाल की। अब बोलोगे यार ये तो हम बताने वाले ही हमारे देश का भी नहीं है। अब अगर ये बोलोगे तो भाई हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जो हमारे देश के भी नहीं होते। हम तो खाना भी वही खाते हैं जो कि हमारा देश का नहीं है, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उसको बड़े शौक से जो है ठूस रहे होते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि भाई नेपाल की एक लड़की है जो कि 13 साल की उम्र में उसके साथ बहुत ही ब्रूटली रेप हुआ था, और रेप होने के बाद में जो है उसको गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। अब इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखो किसकी प्लानिंग थी, असली मर्डरर कौन है और किस तरह से केस को घुमाया गया है। तो सबसे पहली बात कि ये 13 साल की एक लड़की थी और ये स्कूल गोइंग गर्ल थी, और इसके साथ में कुछ लोगों ने रेप तो किया। रेप करने के पीछे में प्लानिंग किसी और की नहीं, इनकी क्लासमेट की थी। क्लासमेट जो थी इनकी वो इनसे बहुत ज़्यादा जलती थी। अब किस लिए जलती थी वो पूरा इंटरनली जाना पड़ेगा। जलती थी, इनका आने जाने का टाइम जो है फिक्स था और उसी टाइम को जो है पूरा आड़ में लिया गया, पूरे तरह से इनको ट्रैक किया गया और उसके बाद से जो है इनके साथ में रेप किया गया। रेप करने के बाद में गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। उसके बाद से जब यहाँ पे FIR लिखवाने की बात आई तो वहाँ की पुलिस जो है FIR तक लिखने के लिए तैयार नहीं हुई। FIR भी लिखी तो काफ़ी टाइम के बाद लिखी, और लिखने के बाद में उस FIR पे जो काम किया गया उसके ऊपर में बहुत बुरे तरह से घुमाया गया। घुमाया क्या गया कि एग्जैक्टली जिस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए उस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन का जो है रुख कहीं और मोड़ दिया गया। 41 इयर्स एक बूढ़े इंसान पे डाला गया कि इसने रेप एंड मर्डर करके डाल दिया। नो डाउट कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था। हम हर किसी पे शक कर सकते हैं, हम हर किसी पे सवाल उठा करके उस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन को जानबूझ करके मोड़ा गया था। उसके बाद से 41 इयर्स के जो पर्सन थे उनको जेल में डाला गया, उन पे इन्वेस्टिगेशन हुआ। DNA रिपोर्ट मैच करने की जब बारी आई तो प्राइवेट पार्ट के एलिमेंट्स है और उस बूढ़े इंसान के DNA से वो मैच ही नहीं हुआ कि उस इंसान ने उनके साथ में रेप किया। रही बात जिसके ऊपर में मेन केस जाना चाहिए था, वो सिर्फ 30,000 रुपये दे करके नेपाल पुलिस से जो अपना पीछा छुड़ा ली और उनको बेल मिल गया और वो पूरी तरह से वहाँ से जमानत लेके निकल गई। उसके बाद से ये केस पूरे तरह से दब गया। अब ये पिछले 2 दिनों से ट्रेंड पे क्यों है? ट्रेंड पे होने का वजह यह है कि यहाँ से एक आर्टिस्ट ने आवाज़ उठाई। अब वो आर्टिस्ट, इसको कहते हैं आर्टिस्ट ना कि हमारे जैसे हम जो देख रहे होते हैं यार, उसको आर्टिस्ट कभी भी नहीं कह सकते। अगर आपका आर्ट अगर किसी का काम आ सकता है तो प्लीज़ वहाँ पे आओ। अगर आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, आपकी एक आवाज़ में कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है तो आप वो भी उठाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे तो यार बड़े बड़े दिग्गज अपना मुंह पे सिलाई करके बैठे हुए हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं ऐसे सारे मुद्दे पे। मतलब जहाँ पे सही में जस्टिस की ज़रूरत हो वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि और भी बहुत सारी चीज़ों को ट्रेंड पे लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, और यहाँ पे एक रियल आर्टिस्ट जो होता है उसने वो काम किया है। अब वो रियल आर्टिस्ट कोई और नहीं, जो नुक्कड़ नाटक करते हैं, जो नाटक करके लोगों को सोशल मैसेज दे रहे होते हैं कि हमारे समाज में अभी क्या घटना घट रही है, उसके वजह से ये टॉपिक जो है ट्रेंड पे आया है। अब आप जगह जगह पे जो थंबनेल देख रहे हो, और मेरे थंबनेल पे भी एक छोटा सा हिस्सा मैंने साइड में जो डाला है वो एग्जैक्टली निर्मला का नहीं है। वो एग्जैक्टली किसका है पता है? वो आर्टिस्ट का है जिसने इस रोल को प्ले किया। आप वो
वो एक बार देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई क्या नुक्कड़ नाटक किया। उस नुक्कड़ नाटक के जरिए जो है सब पे ये चीज़ सवाल खड़ा कर दिया कि यही चीज़ आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। उसके बाद से ये भी दिखाया है कि जब जब डॉक्टर आती है, डॉक्टर आकर के जब उस बॉडी को चेक कर रही होती है कि एग्जैक्टली इनके साथ में क्या हुआ है, वहाँ पर भी मैनिपुलेशन वाला गेम खेला गया, जो कि हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे से खेला जाता है, ताकि लोगों की एक तो सहानुभूति जो है उसको ये भी मिले कि हाँ भाई जस्टिस मिल रहा है, हाँ भाई काम हो रहा है, लेकिन इंटरनली जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको घुमा दिया जाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ होते हुए दिखाते हैं नुक्कड़ नाटक के एंड में, और वो नाटक को जो है यहाँ पे डाला गया है थंबनेल पे सभी लोगों ने कि भाई खुलेआम सरेआम रेप हुआ है, और रेप होने के टाइम पे किसी ने कुछ बोला भी नहीं। सो ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। हाँ, लेकिन लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए दैट्स वेरी गुड ट्रिक, पर थोड़ा सा यार ये कर लो कि सरेआम ऑलरेडी उसके साथ में इतना कुछ हो गया है, आप ऐसा करके मत फैलाओ कि सरेआम हुआ है, और जो भी हुआ है हम नहीं चाहेंगे कि यार कुछ और भी डैमेज हो। ठीक है, पुलिस का ये कहना था कि भाई उनके पास में अब एविडेंस नहीं है, एंड नाउ इट्स मोर देन 700 डेज, यानी 2 साल से ज़्यादा हो गया है। 2018 में हुआ था ये केस, अभी 2020 है, एंड फाइनली जो है लोगों ने कहीं ना कहीं से आवाज़ उठाया है और यहाँ तक पहुँच गया है। अब मेरे तरफ से और पूरी इंसानियत की तरफ से, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया की तरफ से, पूरी इंसानियत की तरफ से, पूरा वर्ल्ड वाइड जितने भी लोगों को इस केस को समझ पा रहे हैं अपने अपने लैंग्वेज में, और जितने भी लोगों ने भी ये देखा है, प्लीज़ आवाज़ उठाएंगे तो उनको जो है इंसाफ मिलेगा। क्योंकि एक बाप एक माँ जो है सड़क पे जा करके माइक में अनाउंस करके इस चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाओ, क्योंकि 2 साल से इंसाफ नहीं मिला उनको। अब बात है कि पब्लिक क्या कर सकती है। पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि मैं देख रहा था ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने ये पोस्ट डाला कि हमने दिल बेचारा को वर्ल्ड की मोस्ट लाइक वीडियो बना डाला, हमने सड़क 2 को वर्ल्ड की मोस्ट डिसलाइक वीडियो बना डाला, हमने विनोद को बेवजह हमने फेमस कर दिया, जबकि उसके पीछे में कोई लॉजिक भी नहीं था, कोई रीज़न भी नहीं था, कोई भी उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे सकता है कि विनोद क्यों लिख रहे थे, बस यही था कि वो कर रहा था तो मैंने भी कर दिया। तो आज यही चीज़ करके दिखा देना है, ये मैं नहीं, ये आम जनता आम पब्लिक कह रही है। तो पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक यही बोलती है कि अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो इस बार पावर दिखाओ, हर जगह पे जा करके इस पोस्ट को, इस मुद्दे को जो है आप कमेंट के द्वारा या फिर किसी और जगह पे जा करके लिखो जस्टिस फॉर निर्मला पंता, और इनको इंसाफ मिलेगा। अब यहाँ पे जो भी बोलेंगे भाई हम अपने ही देश में कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं तो दूसरे देश के लिए क्या उखाड़ेंगे, यहाँ पे अपने देश के लिए तो बात ही नहीं आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है कि आप सोशल मीडिया पे हो, आप वर्ल्ड वाइड हो, पता है ना WWW का मतलब क्या होता है, तो आप वर्ल्ड वाइड हो, आप कुछ भी करते हो ये पूरी दुनिया पे जाती है, तो यहाँ पे अपना पावर दिखा दो। आप यहाँ से बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, पर इतना करके जो है शायद, मैं अभी भी कह रहा हूँ, शायद आप उनको जो है जस्टिस दिला सकते हो। यही मेरा कहना था। आपको क्या लगता है, लोग सही है या नहीं इस मुद्दे पे, क्या और करना चाहिए वो भी ज़रूर सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन पे जा करके। लाइक डिसलाइक का सवाल ही नहीं आता, शेयर का सवाल ज़रूर आता है कि अगर इस वीडियो में कुछ क्लैरिटी मिल पाई हो, दूसरों से थोड़ा अलग समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसको भी जा करके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है कुछ स्टेप ले पाए। सो आई एम राइट नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, साइन ओवर एंड अस्ता ला विस्ता। We'll be right back.